आगामी 6 जून को राजस्थान के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाएगी। महाराणा प्रताप जन्मोत्सव आयोजन समिति ने प्रतापी जयंती को धूमधाम से मनाने की तैयारियां पूर्ण कर ली है। महाराणा प्रताप जन्मोत्सव समिति से जुड़े गिरिराज गौतम ने बताया कि 6 जून को कोटा के घोड़े वाले बाबा चौराहा स्थित मानव विकास भवन से शौर्य वाहन रैली निकाली जाएगी, जो शहर के कई मार्गों से होती हुई कुन्हाड़ी स्थित महाराणा प्रताप प्रतिमा तक पहुंचकर संपन्न होगी। इसके बाद महाआरती व धर्म सभा का भी आयोजन होगा। साथ ही चित्तौड़ के हल्दी घाटी से लाई गई मिट्टी से भी तिलक किया जाएगा। गिरिराज गौतम ने बताया कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल होंगे। आगामी 6 जून को महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर महाराणा प्रताप जन्मोत्सव आयोजन समिति द्वारा कोटा शहर में एक विशाल शौर्य वाहन रैली शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ मानव विकास भवन घोड़े वाले चौराहे से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कुन्हाड़ी प्रतिमा स्थल पर ये शोभा यात्रा पहुँचेगी, जहाँ पर माल्यार्पण के बाद एक महाआरती का आयोजन होगा और उसके बाद एक धर्म सभा का आयोजन प्रतिमा स्थल पर उसी जगह पर होना है। इसमें पूरे कोटा शहर के सभी संत समाज, सभी प्रबुद्ध जन, सभी जनप्रतिनिधि, सभी समाजों के लोग, सभी वर्गों के लोग इसमें शामिल होने जा रहे हैं और प्रमुख रूप से जिन्होंने महाराणा प्रताप का युद्ध के समय अत्यधिक साथ दिया, गडरिया लोहार, भील समाज के लोग और भामाशाह, उनको इस बार विशेष तौर पर हम लोगों ने आमंत्रित किया है। उनको साथ में लेकर एक मुख्य धारा में जोड़कर उनका सम्मान किया जाएगा और इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ विभिन्न संस्थाएं, कोटा शहर की सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, अखाड़ों के लोग, ये सब जुड़े हुए हैं और मुख्य रूप से हमारे साथ राजपूत प्रताप सेना, जो लगातार पिछले 4 वर्षों से हमारे साथ जुड़ी हुई है कंधे से कंधा मिलाकर, और मातृशक्ति का इस बार विशेष हमने सहयोग लिया है। उसके लिए हमने कैंटर की व्यवस्था की है, जो कि माधोपुर से मंगवाया है, ओपन कैंटर, जिसमें मातृशक्ति केसरिया पगड़ी बांधे हुए, हाथों में शस्त्र लिए हुए इस कार्यक्रम की शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाने वाली है। साथ ही साथ हमने इस बार राज्य सरकार से ये मांग की है कि महाराणा प्रताप पूरे देश के गौरव हैं और देश के गौरव को हर पूरे भारतवासी को मनाना चाहिए, इसलिए इस कार्यक्रम को राजकीय कार्यक्रम घोषित किया जाए। इसे कलेक्टर अपने स्तर पर मनाए, सरकारी स्कूलों में इसे प्रिंसिपल मनाया जाए, प्रिंसिपल द्वारा मनाया जाए और कोटा के ऑडिटोरियम के अंदर सभी स्कूलों के बच्चों को बिठाकर एक महाराणा प्रताप के ऊपर फिल्म दिखाई जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी अपने स्वाभिमान और महाराणा प्रताप ने जो इस देश के लिए कार्य किया है उसके बारे में जान सके।